CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का दूसरा पाठ। हकीम मोमिन खां मोमिन। सफा छे। तारुफे शायर। हकीम मोमिन खां मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन। पैदाइश 1800, इंतकाल 1852। हकीम मोमिन खां नाम, मोमिन तखल्लुस था। दिल्ली में पैदा हुए। उनका खानदानी पेशा तबाबत था, लेकिन उन्हें तिब के अलावा दूसरे बहुत से उलूम और फ़नून, मसलन मंतक, हियत, नुजूम और रियाजी में भी महारत हासिल थी। मोमिन अपने ज़माने के निहायत ज़ी इल्म और ज़हीन लोगों में शुमार होते थे। उन्हें फ़ारसी ज़बान पर भी कुदरत हासिल थी। उनका फ़ारसी कलाम आला दर्जे का है। मोमिन का निस्बतन कम उम्र में अपने मकान के कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ। मोमिन की शायरी पुर असर मगर महदूद अंदाज की है। उनके अक्सर अशार मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो इशारों से ज्यादा काम लेते हैं। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं, उनके आशिकाना बयान को मुआमला बंदी कहते हैं। मुआमला बंदी मोमिन का खास मैदान है। उनका कमाल ये है कि पेचीदा और आसानी से समझ में ना आने वाले तर्स के बावजूद उन्होंने मामला बंदी को बड़ी खूबी से निभाया है। मोमिन के कलाम में मकरे शायराना की अच्छी मिसालें मिलती हैं। उन्होंने तखल्लुस के इस्तेमाल से अपने मक्तों में भी खास मानवियत पैदा की है। सफा 7। गजल गो शायर हकीम मोमिन खां मोमिन की गजल। अब पेश है हकीम मोमिन खां मोमिन की गजल। गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना। गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना। मेरी तरफ भी गम जहे गमाज देखना। मेरी तरफ भी गम जहे गमाज देखना। उड़ते ही रंगे रुख मेरा नजरों से था नेहा। उड़ते ही रंगे रुख मेरा नजरों से था नेहा। इस मुर्ग पर शिकस्ता की परवाज देखना। इस मुर्ग पर शिकस्ता की परवाज देखना। दुश्नामे यार तबके हजी पर गिरा नहीं। दुश्नामे यार तबके हजी पर गिरा नहीं। ऐ हम नफस नजाकते आवाज देखना। ऐ हम नफस नजाकते आवाज देखना। देख अपना हाल इजार मुनज्जम हुआ रकीब। देख अपना हाल इजार मुनज्जम हुआ रकीब। था साजगार तालए नासाज देखना। था साजगार तालए नासाज देखना। कुश्ता हूं उसकी चश्मे फसों गर का ऐ मसीह। कुश्ता हूं उसकी चश्मे फसों गर का ऐ मसीह। करना समझ के दावे एजाज देखना। करना समझ के दावे एजाज देखना। तर के सनम भी कम नहीं सूजे जहीम से।
तर के सनम भी कम नहीं, सोजे जहीम से मोमिन गमे माल का आगाज देखना, मोमिन गमे माल का आगाज देखना। मोमिन खां मोमिन। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, शायर को किस राज के खुल जाने का खौफ है? सवाल नंबर दो, रंगे रुख उड़ने का इशारा किस तरफ है और शायर पुर शकिस्ता किसको कह रहा है? सवाल नंबर तीन, तबके हसी पर दुश्नाम यार गिरा क्यों नहीं है? सवाल नंबर चार, गजल के किस शेर में तलमीह का इस्तेमाल हुआ है और उसका मतलब क्या है? इसी के साथ ये सबक खत्म होता है। पाठ दो यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ तीन आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।